नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लालू यादव बोले, मां गंगा भी मोदी के छलावे से दुखी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने वाराणसी का दौरा रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मां गंगा भी उनके वादों के छलावे से दुखी है। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया कि गंगा मैया भी धोखा खा चुकी है, अब मत बोलना मैया ने बुलाया है। मैया के पावन जल ने दो बार रौंद्र रूप दिखाकर अपनी नाराजगी प्रकट की है। राजद प्रमुख ने ये भी सवाल किया कि अब तक किस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री की जाति की बात की है। भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए लालू ने इसे सबसे भ्रष्ट और जातिवादी पार्टी बताया जिसने खराब राजनीति शुरू की है। कश्मीर में बादल फटने से लड़की की मौत, अमरनाथ यात्रा रोकी गई। कश्मीर में सोनमर्ग के पास गुरुवार को बादल फटने से 15 साल की एक लड़की की मौत हो गई और चार अन्य लापता हैं। बादल फटने की घटना के बाद श्रीनगर लेह मार्ग को बंद कर दिया गया है, अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। यह घटना श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर गगनगीर के नजदीक केलन गाँव में हुई। इस प्राकृतिक आपदा में जम्मू कश्मीर सरकार की सहायता करने के लिए सेना भी आगे आई है। सोनमर्ग अमरनाथ तीर्थ यात्रा के रास्ते में पड़ता है। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक लड़की की पहचान इकरा नजीर के रूप में हुई है। केलन गांव से दो लोग और गगनगीर से दो श्रमिक अब भी लापता है। दिल्ली में सोमवार से महंगा होगा मनोरंजन। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से फिल्म और टेलीविजन देखना महंगा होने वाला है। आप सरकार ने मनोरंजन कर बढ़ाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पिछले महीने विधानसभा में मनोरंजन कर 20% से बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा गया था और सरकार ने अब अपने फैसले को अधिसूचित किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के सिनेमाघरों में फिल्म देखना 20 जुलाई से महंगा होगा क्योंकि सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा केबल और डीटीएच सेवाओं के जरिए टेलीविजन देखना भी महंगा होगा क्योंकि इन सेवाओं पर मनोरंजन कर बढ़ाने के फैसले को भी आप सरकार ने अधिसूचित किया है।